हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम SCERT की वर्कशीट करेंगे। आज की वर्कशीट आपकी रीडिंग कैंपेन की इंग्लिश की वर्कशीट है। सो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो है 30 मार्च की है एंड ये वर्कशीट नंबर 58 है। क्लास फोर्थ की फ्रेंडशिप से रिलेटेड आज की वर्कशीट। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं और आपको इसी तरह से अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करना भी है। अ फ्रेंड इज समवन वी टर्न टू व्हेन आवर स्पिरिट्स नीड अ लाइफ, कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो एक ऐसे होते हैं जो कि हमारी बहुत मदद करते हैं। अगर आपका फ्रेंड अच्छा है तो वो आपको अच्छी सलाह देगा और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं बताएगा। अ फ्रेंड कैन चेंज अ फ्राउन इंटू अ स्माइल व्हेन यू फील डाउन। वो जो है आपका एक ऐसा फ्रेंड अगर अच्छा है कोई, तो वो क्या करेगा, वो जब आप दुखी होंगे तो आपको स्माइल यानी खुश कर देगा अपनी बातों से या आपको एक आशा देकर। मतलब अ फ्रेंड इज समवन वी ट्रेजर फॉर आवर फ्रेंडशिप इज अ गिफ्ट। जो फ्रेंड है वो एक ऐसा होता है जो कि हमारे लिए खजाने की तरह होता है। एंड जो फ्रेंडशिप है, अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है तो ये आपको समझना है कि आपको भगवान ने गिफ्ट दिया और आप लकी हो। अ फ्रेंड इज समवन हू फिल्स आवर लाइफ। जो फ्रेंड है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि हमारी जो लाइफ होती है उसको भर देता है खुशियों से, हैप्पीनेस से, जॉय से एंड स्माइल से। दे मेक द वर्ल्ड वी लिव इन वर्थ वाइल। वो हमारा जो वर्ल्ड है उसको ऐसा बना देता है कि वो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और बहुत ही हमें मतलब मज़ा आने लगता है जीने में। तो इस तरह का आपका जो एक फ्रेंड होता है वो अच्छा होता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी क्लासेस जो हमारे चैनल है उसके द्वारा अब आपकी कुछ क्लासेस शुरू की जा रही है। ये आपकी क्लासेस है ऑफलाइन और होम ट्यूशन के वे में है एंड यहाँ पे आपको 1st to 12th तक की सभी क्लासेस मिलेंगी। इंग्लिश क्लासेस एंड कंप्यूटर क्लासेस भी आपको मिलेंगी विद द सर्टिफिकेट। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो आप दिए गए एड्रेस पे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की मदद से, या फिर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पास कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको भी इन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना है तो अगर इसमें दिए गए नंबर में कॉन्टेक्ट ज़रूर करें या फिर हमें कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे आपके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको एक टीचिंग का स्टाइल बहुत अच्छा दिया जाएगा एंड पर्सनल अटेंशन दी जाएगी हर बच्चे पे, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा, रेगुलर रिपोर्टिंग होगी पेरेंट्स को अगर बच्चा कोई गलत काम करता है और रेगुलर क्लासरूम के नोट्स भी प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। सो अगर आपको या आपके किसी ब्रदर सिस्टर को क्लासेस अवेलेबल करवानी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। सो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। जो अब आपने पोएम पढ़ी थी किसके बारे में हो सकती है, किसके फ्रेंडशिप के बारे में। डू यू हैव अ लॉट फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वाई डू वी नीड फ्रेंड्स, और हमें फ्रेंड्स क्यों चाहिए। यस वी नीड फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड्स इसीलिए चाहिए बिकॉज ये हमें मदद करते हैं, हमारे संग खेलते हैं, पढ़ते हैं और हमें खुश भी रखते हैं। राइट वन एक्टिविटी दैट यू लाइक टू डू विद योर फ्रेंड। तो प्लेइंग, खेलना ही सबको पसंद होगा। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बच्चों बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।